नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल दोस्तों जुबान बड़ी फिसल रही है लोगों की। वो कहते कुछ है लेकिन उनकी जुबान से निकल कुछ और जाता है। अभी दो दिन पहले ही राष्ट्रपत्नी शब्द को लेकर के बड़ा बवाल हो रहा था और अब देखिए पिछले काफ़ी दिनों से शांत पड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से गर्माहट आ गई है, हलचल तेज शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद से वहाँ उनका विरोध होना शुरू हो गया है और वो बेचारे सफाई देते घूम रहे हैं। वो ये कहते फिर रहे हैं कि मुंबई महाराष्ट्र का गौरव है, ये देश की आर्थिक राजधानी है और उन्हें भी इस पे गर्व है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठी जनता की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में उनको सेवा करने का अवसर मिला है। इस वजह से वो बहुत दिनों से मराठी भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सफाई में वो बहुत कुछ कह रहे हैं, हालांकि उनकी बड़ी खिंचाई भी हो रही है। ओहदा उनका राज्यपाल का है लेकिन फिर भी लोग पीछे नहीं हैं उनको कुछ भी सुनाने के लिए। कोश्यारी कह रहे हैं कि राजधानी है ये आर्थिक रूप से मुंबई और इसमें राजस्थानी समाज के जो योगदान है वो भुलाए नहीं जा सकते। राजस्थानी समाज के कार्यक्रम में उन्होंने जो कहा था उसमें उनका मराठी आदमी को कम करके आंकने का कोई इरादा नहीं था, केवल गुजराती और राजस्थानी मंडलों द्वारा पेश किए गए योगदान पे बात की। मराठी लोगों ने मेहनत करके महाराष्ट्र का निर्माण किया, इसलिए आज मराठी उद्यमी फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। वे न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मराठी का झंडा बड़े पैमाने पे ऊंचा लहरा रहा है। इसीलिए मराठी लोगों के योगदान को कम करके आंकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भगत सिंह ने कहा कि हमेशा की तरह से मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया जाता है। महाराष्ट्र के निर्माण में मराठी लोगों की मेहनत का सबसे ज़्यादा योगदान है। हाल ही में राजनीतिक चश्मे के माध्यम से सब कुछ देखने की दृष्टि विकसित हुई है, उसे बदलना होगा। एक समुदाय की सराहना करना दूसरे समुदाय का अपमान नहीं है। राजनीतिक दलों को इस पर आकारण विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। कम से कम उनका कहना था कि मेरे द्वारा मराठी लोगों का कभी अपमान नहीं किया जाएगा। राज्यपाल कोश्यारी ने यह भी कहा कि कई जातियों और समुदायों से बनी मराठी भूमि की प्रगति और विकास में सभी का योगदान है, मराठी लोगों का भी योगदान है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि भगत सिंह कोश्यारी एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, वहां उन्होंने ये कह दिया था कि अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को राज्य से हटा दिया जाता है तो राज्य के पास पैसे नहीं होंगे। इस मामले पे बीजेपी का भी बयान आया है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा है कि हम राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं हैं। महाराष्ट्र और मुंबई मराठी लोगों की मेहनत, पसीने और शहादत के साथ खड़े हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास हमें यही बताता है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि आजकल एक खास नज़रिए से चीज़ों को देखा जा रहा है और कहना चाहिए कि थोड़ी सी स्लिप ऑफ टंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। दो दिन पहले राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया गया और बड़ा बवाल हुआ, अभी तक वो बवाल थमा नहीं है। कि इसी बीच कोश्यारी जी ने ये कह करके सबको एक मौका दे दिया है विवाद पैदा करने का कि अगर राजस्थानियों को और गुजरातियों को हटा दिया जाए तो महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं है।
तो नजाने ये सब चीजें कैसे आ जाती हैं, शायद यही राजनीति है। क्या कहते हैं आप लोग, मुझे अपने कमेंट से जरूर बताइएगा कि आपकी सोच क्या है इस बारे में। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।